उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में काफ़ी चहलकदमी दिखने लगी है। लोग अपने क्षेत्र में राजनीतिक नेता वोट मांगने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर गांव के लोगों ने यह राजनीतिक दलों से कह दिया है कि पहले जो किए गए वादे थे उनको आपने वादे पूरे नहीं किए हैं, इसलिए इस बार आपको वोट नहीं देंगे। उनका नारा था कि विकास नहीं तो वोट नहीं। ऐसा ही एक मामला सरेनी विधानसभा की बाही ग्राम सभा को जाने वाला ये मुख्य मार्ग पानी और कीचड़ से भरा हुआ है। अगर किसी ग्रामीण को गांव से निकलकर कहीं जाना होता है तो इसी बदहाल रास्ते से निकलना पड़ता है। दो दशक पहले से ये मार्ग बना था, तब से लेकर आज दिन तक बदहाल पड़ा है, लेकिन किसी भी दल के नेता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। थक हार कर आगामी विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों ने नेताओं का बहिष्कार कर दिया और साफ कह दिया अगर कोई भी नेता गांव में वोट मांगने आता है तो उसे खदेड़ दिया जाएगा। मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है। कहाँ के रहने वाले हो? बहाई गांव का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? हमारी समस्या रोड की समस्या है। ये हमारी रोड सन 2006 में बनी हुई थी, उसके बाद से ये रोड नहीं बनी है। और इस रोड की हालत इतनी बदतर हो गई है कि बरसात में हम लोगों को चलने में इतनी तकलीफ होती है कि पानी घुटनों तक भर जाता है। स्कूली बच्चे नहीं निकल पाते हैं, यहाँ ज़ईफ़ लोग नहीं निकल पाते हैं, और एक लोगों को तो हाथ टूट चुका है, इसमें लोगों का पैर टूट चुका है गिरने की वजह से। लोग ये रास्ता छोड़ दिया है आना इसी वजह से कि इतनी हालत बेकार होने के बावजूद वो यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, इससे पहले क्या कहीं कोई शिकायत की? जी, इससे पहले भी हम लोगों ने ब्लॉक में जाके शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप परिचय बता दें अपना। हमारा नाम कलीम उल्ला है, बहाई का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये रोड की है, सालों हो गए हैं, बचपन से जवानी में, जवानी से बुढ़ापा आ गया है और रोड उसी तरीके की है ना, ये बन रही और ख़राब होती चली जा रही है। मान लो हम किसी को बिठा के भी लाते हैं तो वो रास्ते में गिर जाता है और हम घर पहुंच जाते हैं। हाँ, हम किसी को बिठा के ला रहे हैं, वो यहीं गिर जाएगा या गिर जाएगी और हम घर पहुंच जाएंगे कि हमारे साथ कोई बैठा है पीछे। कई दफ़े ऐसा हुआ कि मैं सामान लेके आ रहा हूँ, बोरी रख के लेके आ रहा हूँ बाइक पे, और बोरी गिर गई, हम घर पहुँच गए, वहाँ जाके फिर वापस आए तो यहाँ पड़ी मिली हम। तो हम सरकार से या जो भी ये लोग हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि रोड बनवा दी जाए, हम लोगों की समस्या हल की जाए, क्योंकि स्कूली बच्चे जाते हैं यहाँ से पार नहीं हो पाते हैं। अब हम लेके जा रहे हैं, बच्चे गिर गए, फिर वापस जाओ, उनको निलाओ धुलाओ और फिर लेके आओ यहाँ से। तो रोड बननी चाहिए, रोड बननी बहुत ज़रूरी है।